ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से लाइव हूँ। आज चांद रात पाकिस्तान में, यानी कि ईद का चांद देखा जाएगा जी। सऊदी अरबिया में तो आज रोज़ा है, यानी कि सुबह ईद है। और पाकिस्तानी क्या इस बार सऊदी अरबिया के साथ, यानी कि मैं भी इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, क्या हम आपके साथ ईद करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला होगा। अभी मगरब की अज़ान होने वाली है, यानी कि अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो अफ्तारी करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ लाइव व्यू भी दिखाऊँगा चांद वगैरह के, और क्या ऐलान वगैरह किया जाता है वो भी, उससे भी अपडेट करूँगा जी। तो मैं अपने गांव में मौजूद हूं, घर की छत से तो दिखा रहा हूं आपको कुछ व्यू वगैरह, यानी कि आप खुद से भी देख सकते हैं। आसमां पर अभी यानी कि मगरब हो चुकी है, लेकिन चांद वगैरह का कोई अक्स वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। तो बहरहाल इसके मुतल्लिक मुफ्ती हजरात क्या कहते हैं, और पाकिस्तान में क्या सुबह ईद होगी नहीं होगी, ये आगे देखते हैं। मैं आपको अभी बैठकर बताता हूँ क्या फैसला किया गया है इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक कोई भी किसी किस्म का चांद यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है जी। तो ईद के मुतल्लिक अगर बात कर लें, तो मैं आपको पहले चांद और यानी कि छत से लाइव व्यू दिखा चुका हूँ, लेकिन अभी ऐलान कर दिया गया है जी पाकिस्तान में सुबह तीसवा रमज़ान होगा, यानी कि पाकिस्तान में ईद नहीं होगी। पाकिस्तान में ईद यानी कि रमज़ान पूरे होंगे तीस, उसके बाद होगी। सऊदी अरबिया में तो सुबह ईद है जी, पाकिस्तान में जाहिर सी बात है उसके एक दिन बाद यानी कि परसों ईद होगी। तो इसके मुतल्लिक तमाम भाइयों को सुबह का रमज़ान मुबारक ही कह सकता हूँ मैं, और सऊदी वाले मेरे भाइयों को ईद मुबारक।